भैया थोड़ा सा क्या हो गया आज जो पार्टी दिवस मनाया गया है भाजपा अपने कार्यालय पे, इसके लिए कुछ कहेंगे? ये 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की हमारे भारत रत्न यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 6 अप्रैल को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ये स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति में सेवा के लिए आया हुआ है और सेवा ही परमो धर्म इस बोध के साथ काम कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रभक्तों की पार्टी, राष्ट्रप्रेमियों की पार्टी है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद। आज अभी यहाँ से तुरंत हम लोग नीचे चलेंगे और स्थापना दिवस अवसर पर पार्टी का जो ध्वज है उसको हम सभी करेंगे। इसके तुरंत बाद नीचे मोटरसाइकिल इकट्ठा है हम सभी। हम सब लोग केवल आज 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है, इस संकल्प को पुनः दोहराएंगे कि हम सब मोदी की गारंटी के साथ, हम सबकी गारंटी है कि अपनी बात तीसरी बात। बरेली लोकसभा के प्रवासी परम आदरणीय चौधरी देवेंद्र सिंह जी, महानगर के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अखिल सक्सेना जी, कैंट से विधायक आदरणीय संजीव अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सह संयोजक लोकसभा आदरणीय डॉक्टर के मरोड़ा जी, आदरणीय मनोज कपालिया जी, आदरणीय पूर्णलाल लोधी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष महामंत्री और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, बोर्ड के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहने और मेरी युवा साथियों, दोस्तों, स्थापना दिवस भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भाजपा है जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाजपा है जिंदाबाद।